नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले नालंदा से। नालंदा में आधुनिक चिकित्सा पद्धति को एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करने के लिए आईएमए बिहार शरीफ द्वारा आईएम परिसर में 16वां मिलन 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें पटना से आए पद्मश्री डॉक्टर एस एन आर के अलावा बिहार झारखंड के करीब 500 चिकित्सक और राष्ट्रीय वक्ता शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र की आधुनिक जानकारियां आपस में शेयर करना है, जिसमें चिकित्सक हिस्सा लेकर जानकारियां हासिल करेंगे। साथ ही इस मौके पर आए दिन क्लिनिकों में हो रहे तोड़फोड़ व अप्रिय घटनाओं पर चर्चा होगी। जो चिकित्सक कार्य कर रहे हैं पेरिफेरी में, उन्हें अद्यतन जानकारी देनी है मेडिकल साइंसेज के डेवलपमेंट, नए डेवलपमेंट के बारे में। भारतीय मित्र पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना कार्यालय में किया। भारतीय मित्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि 4 दिन बाद नींद खुली। गृह मंत्री अमित शाह की रवाना हो गए भुवनेश्वर और वहां पाठ पढ़ाने लगे जाकर सीएए का। दिल्ली दंगों का कालिक मोदी जी के चेहरे पर लगा तो वह पहुंच गए प्रयागराज अपने पाप धोने। बहुत ही दुख की बात है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री दिल्ली की चिंता नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। 48 आदमियों की जान भेट गई है, आपको बता दें कि वो घूम रहे हैं। दिल्ली जल रहा था, दिल्ली में दंगे हो रहे थे, दिल्ली में लोग मर रहे थे, प्रशासन के लोग मर रहे थे, लेकिन ये लोग एक टिप्पणी इनकी नहीं सुनने को मिली। और जब इनकी हफीम के नशे से नींद खुली तो अमित शाह जी पहुंच गए भुवनेश्वर और मोदी जी अपना पाप धोने के लिए पहुंच गए प्रयागराज। तो देश की जनता को यह समझना पड़ेगा कि ये प्रधानमंत्री विदेशियों की चिंता करता है, विदेश के राष्ट्रपति का जिसका कोई लेना देना नहीं है हमसे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में अपना 69वां जन्मदिन मनाया। इसको लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जेडीयू का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सभी लोगों का स्वागत किया। मंच पर सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के दिग्गज मंच पर मौजूद रहे। इस सम्मेलन के लिए बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता गांधी मैदान पहुंचे। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने संबोधन के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम 8,000 अमीनों और कर्मचारियों की बहाली कर रहे हैं, राज्य भर में आवागमन की सुविधा बढ़ाई गई है, सड़कें बनने से जमीन की कीमतें बढ़ी हैं, जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने की दिशा में काम किया जा रहा है, हमने बिहार में कानून का राज काम किया है, साथ ही प्रशासनिक सुधार को भी अमल में लाया है, लोगों को प्रमाण पत्र लेने के चक्कर लगाने नहीं पड़ते, लेकिन विपक्षी मीडिया में आई बयानबाजी के जरिए हंगामा करते रहते हैं। इस राज्य के दर्जा की मांग करते रहते हैं, फिर हमने किया है 14वां वित्त आयोग वाली बात जो थी उसके आधार पर इसको रोक दिया गया था। अब 15वां वित्त आयोग ने कह दिया है कि स्पष्ट किया है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम लोगों ने उनके सामने रखा था, अन्य राज्यों में रखा था, यानी राज्य का विशेष राज्य का दर्जा देना, बल्कि विशेष राज्य का दर्जा देने का विशेषाधिकार पूर्णतः केंद्र सरकार का है, जो विचार उपरांत इस पर समुचित निर्णय ले सकते। मगध विश्वविद्यालय बोधगया का 59वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस का उद्घाटन राज्यपाल फागू चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गुलदस्ता एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। बिहार शरीफ के नाला रोड में बिहार विकास सह डिज्नीलैंड मेले का आयोजन किया गया है। मेले का उद्घाटन ग्रामीण विकास व संसदीय मंत्री श्रवण कुमार द्वारा किया गया। शाम के समय शहरवासी अपने परिवार और बच्चों के साथ आकर स्वास्थ्य मनोरंजन के अलावा इस तरह के खरीदारी भी कर सकते हैं। इस मौके पर संचालक चंद्रकांत ने बताया कि मेले का आयोजन 13 अप्रैल तक किया जाएगा। मेले में करीब 50 स्टॉल लगाए गए हैं और उनके बच्चों के माता पिता के लिए जो घरेलू सामान का उपयोग करेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पर
हर तरह का इंतजाम है, बच्चों के लिए अलग, नौजवान के लिए अलग, बुज़ुर्ग के लिए अलग। इस विकास मेले में उनका ध्यान रखा गया है और मैं समझता हूँ कि इस मेले में जब आएंगे तो पूरे प्रदेश का और देश के अनेक हिस्सों के इलाकों में जो सामान बिकते हैं उसका भी यहाँ पर मेल रहेगा। शहरवासियों के लिए इस बार बहुत अच्छे से डिजली लैंड लगाए हैं, जो कभी बिहार शरीफ में आज तक नहीं लगा है। इस बार नए नए झूले, नए नए दुकान, नए नए बच्चे लोग को मिक्की माउस ट्रेन हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, इस तरह का बहुत सारा आइटम लगा हुआ है, हर चीज लगा है इस बार। बेगूसराय में अहले सुबह कांग्रेसी नेता के छोटे भाई का संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खम्हार की है। उक्त मामले में जहां परिजन जमीन विवाद में गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक कांग्रेसी नेता अंजनी कुमार सिंह के भाई थे। कारण जमीन लल के लिखा है, रूपा नहीं दे रहे, रूपा मांगल जाए रहे, रूपा नहीं दे, गरम गरी करे, एक बोतल दारू ले कर देते, यह कारण जमीन लिखाई के आ तो पैसा नहीं। जमीन 5 कट्ठा एगो लिखे के 11 कट्ठा एगो लिखे, जमीन कहलों से जमीन लिखाई लेके पैसा नहीं दिल्क है, वह मांगल जाए रहे, एक बोतल के दारू रोजगार करे थे। अनिल सिंह, घटना 5 आदमी शामिल है, अनिल सिंह, राम दिनेश, श्याम। बख्तियारपुर प्रखंड के तेजा बिघा गांव स्थित शिव मंदिर में 29 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर अयोध्या से आए कथावाचक परम पूज्य बम जी महाराज द्वारा विधिवत महापुराण कथा की शुरुआत की गई, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों ने उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आनंद लिया। कृपया सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि हल्ला बोल न करें। बेगूसराय में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस की बात नहीं सुनी, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई है। और आपको बता दें कि परिजनों से हाथापाई भी की। शिवहर के शिक्षा विभाग ने हड़ताली शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 92 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, 44 शिक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। जिन शिक्षकों पर कार्रवाई किया गया है उन पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करने का आरोप है। शिक्षा विभाग ने इस कार्रवाई से 48 शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। शिवहर जिले में मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार करने, पत्र नहीं लेने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना में 92 शिक्षकों पर FIR किया गया है और 44 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड परिसर के सभागार में पम्सस की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रखंड प्रमुख राकेश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में उप प्रमुख दुष्यंत कुमार राजू पर मुखिया बच्चूलाल राय ने सदन में ही कड़ा रुख अख्तियार किया। बात इतनी बढ़ गई कि अपने गरिमा को खो दिया। वहीं मुखिया व उप प्रमुख के बीच भरी सदन में काफी झड़प हुई। इस बैठक में कढ़ान पंचायत के मुखिया रिंकू सिंह ने अपने आवेदन की रिसीविंग नहीं होने व आम जनता के आवेदन का रिसीविंग ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्गत होने पर नाराजगी जाहिर की तथा सदन में इस मामले पर कार्रवाई की अपील की है। आप
पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के समनपुर कबीरहा मठ के पूर्व महंत श्री 108 राम रूपदास की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। उनकी मूर्ति का अनावरण गोविंदपुर मठ के मठाधीश महंत मनमोहन दास के द्वारा किया गया। वहीं मंदिर प्रांगण में ही रविदास जी महाराज एवं कबीर जी महाराज की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। इनकी मूर्ति का अनावरण ढाका विधायक फैसल रहमान के द्वारा किया गया। पंचायत भवन के प्रांगण के समीप सतगुरु कबीर संत रविदास एवं स्वर्गीय महंत राम रूपदास का मूर्ति का अनावरण माननीय विधायक फैसल रहमान एवं माननीय विधायक घोड़ासहन लक्ष्मी नारायण के कर कमरों द्वारा उद्घाटन किया गया। बाढ़ के पंडारक प्रखंड के कुंवदी ग्राम पंचायत के मुखिया मनोज राम के नेतृत्व में ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बाढ़ के अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित इस शिविर में पंडारक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी समेत सभी कर्मचारी मौजूद थे। इन लोगों की मौजूदगी में लगभग 150 लाभुकों के बीच पेंशन से संबंधित स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। मैं बोल रहा हूँ, अच्छे काम करने के लिए अगर किसी से दुश्मनी भी लेना पड़े तो क्या करना चाहिए, दुश्मनी ले लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर नशा का शिकार है और नशा का शिकार है, उसको नशा से विमुक्त करना है। सीतामढ़ी के लाल सुशील कुमार सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। हजारों की संख्या में देश के लाल को अंतिम विदाई देने के लिए लोग सुशील कुमार अमर रहे का नारा लगाते उनके पार्थिव शरीर के साथ रैली निकाली। अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव मेजरगंज के डुमरी कला गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर के गाँव में पहुंचते ही लोगों ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी। जिले में मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार करने, पत्र नहीं लेने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना में 92 शिक्षकों पर FIR किया गया है और 44 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। रोहतास के बड्डी ओपी क्षेत्र के पनारी से जिस महिला का कटा हुआ सिर बरामद हुआ था, उसका बाकी धड़ पुलिस ने पनारी घाट के पास से ही बरामद कर लिया है। महिला की पहचान फूला देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोप फूला देवी के दूसरे पति लाल बाबू बिंद पर लगा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महिला का मायका कादिरगंज में था। उसका पति पिछले कुछ दिनों से गांव के ही एक विधवा महिला के संपर्क में हो गया था, जिसका वो विरोध करती थी। इसी विरोध का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और उसका गला काटकर हत्या कर धड़ को एक जगह तथा सिर को दूसरे जगह भेज दिया गया। दिन से हम लोग खोज रहे थे, नहीं मिला। जनाइर थाना में गए थे करने के लिए तो नहीं मिला। कैसे पता चला? पनारी घाट में रोड में मिला लाश हमको बॉडी। अच्छा। मुड़ी बड्डी वाले थाने को मिला हुआ था उधर, तो फिर हम बड्डी गए तो उस चेहरा देखे मुड़ी तो पहचान लिया अपने बहन को। कहाँ के रहने वाली है मेरे तक? हम कादिरंग के रहने वाले हैं। बाढ़ के वाजिदपुर मोहल्ले के अनुमंडलीय स्नातक मतदाता विराट सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बाढ़ विधानसभा की राजद नेत्री नमिता नीरज सिंह सैकड़ों राजद समर्थकों के साथ शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व MLC आजाद गांधी ने किया। साथ ही उन्होंने 2020 में होने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। जहां एक तरफ सरकार दियारा क्षेत्र के निवासियों और किसानों के विकास के दावे कर रही है, वहीं राजधानी पटना से सटे मनेर के किसान गंगा नदी के कटाव और मौसम की दोहरी मार से परेशान हैं। किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि गंगा नदी के कटान में विलीन हो गया है, तो दूसरी तरफ मौसम का मिजाज बदलने से किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसल खराब हो गई।
यही नहीं, गंगा नदी का कटाव अब तक जारी है, जिसके चपेट में मनेर प्रखंड के आधा दर्जन गांव शामिल हैं। पर किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है कि जिससे किसान खासा निराश है। कहना क्या चाह रहे हैं, मनेर में 2011 से ही दियारा बचाओ भारत बचाओ परिषद के तरफ से हम लोग लड़ रहे हैं। हालांकि कटावरोधी कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि जो काम बहुत बेहतर ढंग से होना चाहिए वो जैसे तैसे करके चले जाते हैं। उसको हर एक साल रिपेयरिंग भी करना पड़ता है और जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अभी दियारा में हल्दी छपरा के सामने, रतन टोला के सामने और घोड़िया स्थान के सामने भीषण कटाव है। जिला से लेकर के वहाँ तक भी कहे, सीओ साहब को भी ले जा करके हम स्थल निरीक्षण भी करवाए। कटाव के कारण हम 3 पंचायत बुरी तरह अस्त व्यस्त हैं, पूर्वी पश्चिमी और मध्य। तीनों पंचायत में कई एक गाँव पड़ता है जो कि कटाव के चलते आज बुरी तरह अस्त व्यस्त है, पहली बात। और दूसरी बात, किसान हम लोग हैं, किसान के चलते जो एक तो कटाव से परेशान, दूसरे में बारिश जो आया तो सब फसल जो है बर्बाद हो गया। क्या नाम अजय जादो है, मेरा पंचायत किता चौधर पूर्वी है। किता चौधर पूर्वी के जो किनारे के जो हम लोग किसान हैं, जर्जर स्थिति ढहा से सारे किसान के खेत ढह गया, उसका वर्णन नहीं है। सरकार के लोग हम लोग आवेदन देते थक गए, आज घेराबंदी होगा, कल घेराबंदी होगा, कल बोरा बिछेगा, आज तक बिछा नहीं। और जो ये मौसम आया है, जो किसान के 2-3 बीघा खेत है जिसमें 50% हमारे गेहूँ पड़ गया, किसान रो रहे हैं, कलप रहे हैं। बाकी हमारे नीतीश कुमार जी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सूचना हमको मिली है, अंचलाधिकारी से हमारी बात हुई है और अगर कटाव हो रहा है तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन जो हम लोग कर लेंगे। इस बात की किसानों ने कई बार सर अधिकारियों को बता भी चुके हैं, पोकड़ों में भी नहीं, हमको लिखित रूप में या मौखिक भी इसकी सूचना नहीं थी। आज सूचना मिली है तो हम लोग जाके देख लेंगे। मुंगेर में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान मुंगेर के राज्य से विधायक विजय कुमार के घर पर पहुंचकर उनका घेराव किया और सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए विधायक को मेमोरेंडम सौंपा। शिक्षकों ने विधायक का घेराव करते हुए अपनी 7 सूत्री मांगों के संबंध में नारेबाजी की, जिस पर विधायक ने शिक्षकों की मांगों और उनकी परेशानियों को विधानसभा में रखने और मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द शिक्षकों के लिए बेहतर कदम उठाने के लिए बात करने का भरोसा दिलाया है कि आपसे उम्मीद है कि हमने जो अपने संवैधानिक तरीके से आंदोलन शुरू किया है, सरकार उसको अपने दमनात्मक नीति से कुचलते हुए उसको कुचलने का प्रयास कर रही है। जबकि वो बेफालतू का शिक्षकों पर बर्खास्तगी, FIR और उनके सस्पेंशन जैसा काम कर रही है, इसके लिए हम तमाम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि अभी भी समय है, आप चेक जाइए और हमारे संवैधानिक अधिकार को मान लीजिए, क्योंकि राज्यकर्मी वो हमारा बर्खास्तगी निकाल रही है, वो हमारा सस्पेंशन। ये है कि अगर हम उनकी बातों को अवहेला किए हैं, राज्यकर्मी हमको अपमान लेंगे, तभी आप हमारे पे कोई भी लॉ लगा सकते हैं। सभी लोगों ने आपके सवाल पर सदन के बाहर भी धरना दिया और सदन को भी हम लोगों ने इसी सवाल पर नहीं चलने दिया कि नियोजित शिक्षकों को जब वो समान ड्यूटी करते हैं तो उनको उन्हीं के तरह समान वेतन ही नहीं, सारी सुविधाएं जो नियमित शिक्षक हैं उसी के तरह देने का काम सरकार करे। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर राजद नेता तेजस्वी यादव एक यात्रा निकाल चुके हैं। इसी कड़ी में वे मोतिहारी के जिला स्कूल के मैदान में चंपारण की धरती मोतिहारी में पहुंचे, लेकिन भले तेजस्वी बेरोजगारी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रहे हों, पर यात्रा के पीछे का मकसद आगामी विधानसभा की तैयारी ही है और इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता पुरजोर तैयारी में जुट गए हैं, जो आज सफल दिख रहा है। इसलिए सभी से आग्रह है और विनोद श्रीवास्तव अली साहब, अजीत झा जी, अनिल सहनी जी हमारे पूर्व सांसद हैं, सब लोगों ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे ताजातरीन खबरों के साथ। देखते रहिए बिहार न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।